एंड आई गॉट अ ह्यूज सरप्राइज. आज हमारी सारी एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में चेंज हो गई. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज सैटरडे है और मॉर्निंग टाइम है. मैं जस्ट अभी 15-20 मिनट्स पहले उठी एंड आई गॉट अ ह्यूज सरप्राइज जिसे मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. गोविंद और मैं जस्ट उठे हैं, शायद आप हमारे फेस से भी पता लगा सकते हो, बट मेरे हबी बहुत देर से किचन में काम कर रहे हैं. तो देखिए, जैसे ही मैं बाहर उठ के आई, मुझे ये पूरी ब्रेकफास्ट टेबल सजी हुई मिली. मैं भी आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ कि क्या क्या बना है. आज बना है लेयर वाला पराठा, साथ ही साथ ये बहुत ही डिलीशियस आलू की सब्जी. मैंने इसे टेस्ट करके देख लिया है ऑलरेडी. और ये पालक पनीर की सब्जी है जो कल से बची हुई है, तो ये भी उन्होंने गर्म करके रखी है. और ये चाय बनी है, साथ ही साथ ये मूली के लच्छे भी कल ही के बचे हुए हैं, तो ये भी डिनर ब्रेकफास्ट टेबल पे आ गए हैं. और ये एक पराठा गोविंद का भी बना है. सो हबी डियर, आपको किसने मोटिवेट किया इतना सारा खाना बनाने के लिए सुबह सुबह? हफ्ते भर तुम बनाती हो, आज हमने बना दिया. ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और ये अक्सर बनाते थे, बट ड्यूरिंग द पीएचडी टाइम ये अक्सर बहुत बिजी रहते थे, इस वजह से ज्यादा नहीं बना पाते थे. बट अब उन्हें फिर से शौक आया है अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए और ये ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेस दे रहे हैं आजकल नए घर में. तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और ब्रेकफास्ट बहुत यमी बना था. अभी अंशुल और गोविंद मिलके कार क्लीन कर रहे हैं एंड दीज आर ओनली द स्मॉल स्मॉल फन मोमेंट्स जो हम वीकेंड के लिए लुक फॉरवर्ड करते हैं. शायद काफी लोग मुझसे अग्री करेंगे कि हमारे जो वीकडेज होते हैं, मंडे टू फ्राइडे वाले डेज होते हैं, वो बहुत रोबोटिक होते हैं. सब कुछ प्री प्लान रहता है, सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर, सब कुछ प्री प्लान चलता है. बट वीकेंड ज्यादा डेज जब हम इस मोनोटोनस रूटीन को ब्रेक करते हैं और अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं, एंड दैट इज वाई वी लुक फॉरवर्ड टू द वीकेंड, राइट? So, यही सब फन चल रहा है अभी. गोविंद क्या कर रहा है? गोविंद झाड़ू कैसे पकड़ता है? आज हमारी सारी एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में चेंज हो गई क्योंकि हमें पता चला कि अभी तक हमारा सामान न्यू मेक्सिको में पड़ा है. एक्चुअली जो हमने मूविंग एंड पैकिंग कंपनी बुक कराई थी वो खाली ब्रोकर हैं, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और मूवर्स एंड पैकर्स को दिया है. सो हमेशा मैं हर रोज़ फ़ोन कर रही हूँ और वो हमेशा बोल रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी है जो हमारा सामान एक्चुअली मूव कर रही है वो तुम्हें कॉल करके ETA देगी. बट आज हमने फाइनली उन्हें फ़ोन किया जो एक्चुअल मूवर्स एंड पैकर्स हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी तक हमारा सामान न्यू मेक्सिको में ही पड़ा है. तो उनका ऑफिस यहीं पर ही है शॉम्बर्ग एरिया में, तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम उनके ऑफिस जाके बात करेंगे. और आज हमने उनके रिव्यूज़ देखे. एक्चुअली बहुत बड़ी भूल हमसे हो गई कि हमने उनका रिव्यूज़ नहीं देखा ऑनलाइन और हमने उन्हें बुक कर लिया. सो गलती हो गई, कोई बात नहीं. हमें किसी ने कहा भी था कि पॉट्स बुक कराओ, बट हमने जब इनका ऑफर सुना था कि ये लोग अपना हमारा सामान खुद से उठाकर रखेंगे ट्रक में, तो हम उससे थोड़ा सा इम्प्रेस हो गए कि हमें खुद से सामान उठाना नहीं पड़ेगा, एंड फिर हमने इन्हें बुक कर लिया था. बट एनीवेज बोलो. ऑफिस तो काफ़ी आलीशान बनाया हुआ है, बट काम आलीशान वाले बिल्कुल भी नहीं किए इस कंपनी ने.
हम ऑल द वे उनके ऑफिस गए थे बट उनका ऑफिस भी बंद मिला. दो ऑनलाइन दिखा रहे थे कि ओपन है ऑफिस बट चलो छोड़ो, फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होता. अभी हम लोग आए हैं शॉमबर्ग इंडियन कॉम्प्लेक्स में. यहाँ पे मीना बाजार है, ऑनेस्ट चाट शॉप है और पटेल ब्रदर्स है, तो हम आपको सब चीज़ों का दर्शन कराएंगे आज. तो सबसे पहले हम ऑनेस्ट ही आ गए. हमने सोचा कुछ खा पी लें, उसके बाद शॉपिंग स्टार्ट करेंगे. और यहाँ का अगर आपने पाव भाजी ट्राई नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप ज़रूर इनकी पाव भाजी ट्राई करिए. बहुत ही यमी थी. मैंने ऐसी पाव भाजी US में कभी भी नहीं खाई. पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो अब चलते हैं पटेल ब्रदर्स. ये बहुत बड़ा स्टोर है. मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं कर पाई क्योंकि वीकेंड्स पे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है. बट स्टिल मैंने ट्राई किया है कि थोड़े ग्लिम्सेस आप लोगों के साथ शेयर करूँ और दिखाऊँ कि यहाँ पे इंडिया का हर सामान मिलता है, चाहे वो लीची हो, आम हो, यहाँ तक कि कच्चा नारियल, जो हरा वाला नारियल पानी होता है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल था. इस स्टोर पे आने के बाद लगता ही नहीं कि हम US में हैं या इंडिया से इतना दूर रह रहे हैं. हर चीज़ अवेलेबल है. और यहाँ पे आने के बाद बस एक चीज़ दिमाग में आती है कि हमने एक मिनी इंडिया खोल दिया है US के हार्ट में. तो बस अब काफ़ी शॉपिंग हो चुकी है, काफ़ी सारा सामान आज भी मैंने लिया है और अब हम लोग लौटेंगे घर वापस, क्योंकि इस टाइम तक काफ़ी थकान भी हो गई है. सुबह के ही निकले हुए हैं हम लोग, अराउंड 10:30 निकले थे. तो पहले ऑफिस गए और फिर खाना पीना किया और फिर पटेल ब्रदर्स पे. तो खूब चलते हैं तो पैर दुख जाते हैं. और देखिए, दो कार्टन्स भर के हमने सामान लिया है. और आज मैंने वहाँ से कसाटा भी ली थी जो हम बचपन में खाते थे, तो अभी हम लोग तीनों मिलके कसाटा एंजॉय करेंगे. अभी हम लोग फिर से निकले हैं बाहर क्योंकि अभी हमें प्लांट्स खरीदने जाना है. क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरा बहुत मन है कि अपने पेटियो में थोड़ी सी गार्डनिंग करूं, बट मुझे ना गार्डनिंग का जी भी नहीं पता. सो ट्राई करूंगी कि वहां पे कोई मिल जाए जो मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दे, बता दे कि किस तरीके से मैं प्लांट्स का टेक केयर कर सकती हूं, किस तरीके से कौन सा प्लांट जो है लगता है. सो जा रहे हैं अभी, देखते हैं. और अनिरुद्ध पीछे बैठा है, उसको मैंने थोड़े से गर्म कपड़े पहनाए हैं क्योंकि ना इस टाइम पे यहाँ पे थोड़ी सी ठंड हो जाती है और हमें बिल्कुल आदत नहीं है कि समर्स के टाइम पे गर्म कपड़े पहन के निकले. और अक्सर ऐसा होता है कि हम बाहर निकल जाते हैं अपने समर कपड़ों में और फिर बाहर इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि हम बाहर रह नहीं पाते और घर वापस आ जाते हैं. इसीलिए आज मैंने उसको गर्म कपड़े पहना के निकाला है. तो बाहर चल रही है गार्डनिंग. दो प्लांट्स लग चुके हैं अभी. मैरीगोल्ड लग रहा है और फिर ये वाला फ्लावर वाला प्लांट लगेगा. मिंट और सिलेंट्रो लग चुका है. इसका कंप्लीट ट्यूर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जब सारे प्लांट्स लग जाएंगे प्रॉपरली. सो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा और इसे देख के आपको हैप्पीनेस मिली होगी.
फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ. टिल देन यू टेक केयर, बाय. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, एंड इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग. थैंक यू.